हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग फ्रॉम डोसा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मनीष सुधीर, आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज हम जा रहे हैं आगरा के लिए और ट्रेन आने वाली है। जैसे ट्रेन आएगी, आज की जो भी जर्नी होगी वो हम आपको दिखाएंगे ट्रेन के अंदर। तो भैया ट्रेन में एंटर हो गए हैं और अभी ट्रेन रुकी है। ये देखिए सामने का नज़ारा, कहाँ जा रहे भाई साहब? आगरा। क्या करने जा रहे हो? ताजमहल देखने। ताजमहल अभी सब लोग सोने में व्यस्त हैं, सब लोग सो रहे हैं, सुबह सुबह का टाइम है। गाइस, आगरा यमुना नदी के किनारे स्थित है और 1506 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने आगरा को अपनी राजधानी बनाया था। सन 1526 से सन 1647 तक मुगलों में आगरा का शासन रहा था। इस शहर को सिकंदर लोदी ने बसाया था। आगरा रेलवे स्टेशन पहुंच गए हम। हमारे साथ हमारा फोटोग्राफर, हमारा वीडियो मैन, कैमरा मैन आयुष आ जाइए भाई। लाइफ में पहली बार रेलवे स्टेशन के अंदर आने में तो लाइन में लगे थे, लेकिन बाहर निकलने के लिए भी आज पहली बार लाइन में लगना पड़ेगा। देखिए इतनी सारी ये जो भीड़ इकट्ठी है, ये सब चेकिंग होके यहाँ से निकलेंगे। गाइस बहुत बड़ी चोट हो गई हमारे साथ, मूड पूरा ऑफ हो गया मेरा, क्योंकि आज है संडे और संडे को आगरा बंद रहता है, तो हम किसी भी जगह नहीं जा पाएंगे शायद, लेकिन कोशिश करेंगे दूर से आपको दिखाने की। अभी दिमाग पूरा ख़राब हो गया है यार, पूरा क्या बताऊँ मैं। गाइस जब हम ने ये सफ़र किया था, उस समय आगरा में संडे और शनिवार का लॉकडाउन था और इस बात का हमें पता नहीं था कि, और हम पहुंच गए थे आगरा में, लेकिन जैसे ही हम रेलवे स्टेशन से बाहर निकले, हमें पता चल गया कि आज हम बहुत बड़ी गलती कर बैठे हैं और बिना पते किए ही हम आगरा आ गए थे। लेकिन फिर हमने डिसाइड किया कि चाहे दूर से ही हम ताजमहल को देखें, लेकिन हम कुछ ना कुछ देखकर जाएंगे ज़रूर। और हमने एक किराए की गाड़ी ली और निकल गए आगरा का ताजमहल देखने के लिए। दोस्तों, ताजमहल को प्यार की सबसे बड़ी निशानी मानी जाती है। ताजमहल को शाहजहां ने अपनी तीसरी बेगम मुमताज महल की याद में बनवाया था। ताजमहल का निर्माण कार्य 1632 ईस्वी में शुरू हुआ, जो कि बनकर 1653 ईस्वी में पूर्ण हुआ। ताजमहल यमुना नदी के किनारे बना हुआ है। उस समय इसको बनाने में करीब 32 मिलियन का खर्चा लगा, जो उस जमाने में 3 करोड़ के बराबर थे। इसमें 25,000 से ज़्यादा कारीगरों ने काम किया था। सन 1983 ईस्वी में ताजमहल को विश्व धरोहर में शामिल कर लिया गया। ऐसा बहुत बड़ी हो गई है चोट। आज संडे की वजह से लॉकडाउन है यूपी में और ताजमहल, लाल किला सब बंद है। पूरा दिमाग ख़राब हो चुका है यार गाइस। अब बस यही है कि आपको दूर से ही दीदार कराते हैं ताजमहल के, यहाँ से बस फिर दूर से देखकर ही निकल जाना है।
भाई साहब दिमाग हो गया है बिल्कुल ख़राब, क्योंकि जिस ताजमहल को अंदर से बढ़िया तरीके से देखते हैं, हालांकि मैं पहले भी आ चुका हूँ लेकिन उस टाइम मैं व्लॉगिंग नहीं करता था, लेकिन आज मैं व्लॉग के ये स्पेशल ताजमहल देखने के लिए दोसा से यहाँ आगरा आया हूँ। और भाई पता है मुझे ताजमहल कैसे देखना पड़ा, मैं बताऊँगा आपको उनको, ऐसे झुकझुक के देखना पड़ेगा, झुकझुक के देखना पड़ेगा, क्या बताऊँ यार। ठीक है भाई, अब आ गए हैं तो कुछ ना कुछ तो दिखाना ही पड़ेगा ना, फिर कभी नेक्स्ट टाइम पे होगा फिर दिखाएंगे आपको। देखिए सामने कैसे देखना पड़ रहा है ताजमहल, दिखाता हूँ आपको, झुकझुक के देखना भैया, झुकझुक के देखना पड़ेगा। एक पार्क पड़ता है भाई ताजमहल के पास में ही, तो यहाँ से ताजमहल का थोड़ा सा नज़ारा दिखता है, मैं आपको भी दिखाऊँगा सामने से, तो रेडी हो जाइए देखने के लिए। बहुत ही खूबसूरत ताजमहल, विश्व के 7 अजूबों में से एक, लेकिन अफसोस देखना दूर से ही पड़ेगा, बहुत ज़्यादा दिमाग हमारा ख़राब हो चुका है, लेकिन अब बयां नहीं कर सकते किसी से भी, देखना दूर से ही पड़ेगा। देखिए ताजमहल हो रहा है, देखिए यहाँ से अगर आपको दिख पा रहा हो गोपुर में, बाकी वैसे तो बहुत अच्छा दिख रहा है, लेकिन अगर आपको दिख सका तो देख सक लीजिए, बहुत ही सुंदर नज़ारा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ दूर से ही देख लीजिए, पास से जाने का कोई सीन है नहीं। ये देखिए सामने आप ताजमहल, छोटा सा, बाकी जूम मैं कर नहीं सकता। और भाई ये ताजमहल का गेट के पास से छोटा सा व्यू, और ये पूरी यमुना नदी है जो इधर से बह रही है, देख लीजिए पूरी ओवरफ्लो होके बह रही है यमुना नदी, बहुत ही सुंदर दृश्य दिखता हुआ। हर साल ताजमहल को 9 से 10 मिलियन लोग यहाँ हर साल देखने आते हैं। इसके निर्माण में सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग किया गया है। प्यार की इस खूबसूरती को देखने के लिए दुनिया भर से और विदेशों से लोग यहाँ पर आते हैं। कहते हैं ताजमहल का निर्माण करने वाले मजदूरों के हाथ शाहजहां ने कटवा दिए थे, लेकिन हम इस बात की पुष्टि नहीं करते हैं, जैसा हमने सुना है वैसा ही हम आपको बता रहे हैं। उन्होंने ऐसा इसलिए किया था ताकि ताजमहल जैसी इमारत दूसरी ना बन पाए। ताजमहल को बनाने में कुल करीबन 18 साल का समय लगा। इसकी नींव में लकड़ियों का प्रयोग किया गया था। है ना हैरान कर देने वाली बात कि इतने मजबूत किला कैसे इन लकड़ियों पर बनकर तैयार हो सकता है, लेकिन दोस्तों ये बात बिल्कुल सच है। गाइस हमने डिसाइड किया कुछ आगे चलकर आपको ताजमहल पास से दिखाया जाए, और देखिए इतनी मुसीबत उठाकर हमने आपको ताजमहल दिखाने की कोशिश की है। इस वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता है। पेड़ों के नीचे से देखिए भाई कैसे कैसे मुझे निकल के आना पड़ रहा है ताजमहल के लिए, देख सकते हैं आप। गर्मी बहुत तेज है, और ये रास्ता भटकते हुए सब लोग, भाई साहब गर्मी का मामला, ऐसा गर्मी है बहुत ही ज़्यादा। और ये देख सकते हैं इधर से आ गए हैं हम बिल्कुल पास यमुना नदी का, वाह बहुत ही तेज़ बहती हुई यमुना नदी। और
गाइस कभी भी आना, आपको संडे के दिन मत आना, बाकी वैसे आप आ सकते हैं। ये देखिए हम आपको कितना पास ले आए हैं, देखिए हमारे पीछे ताजमहल और ये पूरी यमुना नदी बह रही है, देख सकते हैं आप। ये पूरी यमुना नदी बह रही है, सामने है ताजमहल। फुल ओवरफ्लो है इस टाइम, काफ़ी पानी है इस नदी में, और सामने है मेरे ताजमहल। देखो मैं दोस्तों सिर्फ आपको दिखाने के लिए इतनी दूर से यहाँ आया हुआ हूँ। क्या हो गया? इधर ताजमहल, उधर लाल किला, दोनों पास पास में ही है, सिर्फ 1.5 से 2 किलोमीटर का फर्क है। अगर आप इधर आए तो फिर इधर भी जाके आप दे सकते हैं। बस इतना ध्यान रखना कि संडे के दिन कभी भूल के भी बता रहा हूँ, जब तक लॉकडाउन है यहाँ पे, देख सकते हैं हम। चलो चलते हैं दोस्तों, फिर आगे मिलेंगे आपसे, करते हैं फिर आगे मुलाकात। ताजमहल तो देख लिया, इससे ज़्यादा करीब से देख भी नहीं सकते आज, क्योंकि आज है संडे और संडे को रहता है यहाँ पे लॉकडाउन, तो इससे ज़्यादा पास से मैं आपको दिखा भी नहीं सकता। ये मेरी मेहनत है, देखिए मैं किन जंगलों के रास्ते से आया हूँ, देख लीजिए एक बार ये रास्ते, ऐसे रास्तों से, इस रास्तों से होकर मैं आया हूँ। अब मुझे पहुँचना होगा, किधर से आना होगा। चलिए निकलते हैं वापस, देखो कहाँ कहाँ से आ रहे हैं लोग, बाग कितनी तकलीफों का सामना कर ताजमहल देखने के लिए आ रहे हैं लोग बाग। चलो उधर ही, हट जाओ सेम इधर भी है। चलो कोई ना, एक एक करके निकलो आराम से। देखो भाई साहब कैसे झुक झुक के हालत ख़राब हो गई आपको ताजमहल दिखाने के चक्कर में। भाई अपना काम है दिखाना, तो हमने कोशिश की है पूरी आपको दिखाने की। आवाज़ आ रही थोड़ी बहुत। चलिए चलते हैं दोस्तों, कितनी मुसीबत उठा के तो कभी आज तक ताजमहल नहीं देखा। पहली बार ऐसा हुआ, इतनी मुश्किल उठा देता आज मेरे दिखा। तो भाई अब दिखाएंगे आपको लाल किला, वो भी इसी तरीके से, सॉरी माफ़ी चाहते हैं आपको, लाल किला इसी तरीके से दिखाने के लिए। लेकिन एक्चुअली यही है कि अब चलेंगे लाल किले के, वो भी हम आपको बाहर से ही दर्शन करवाएंगे, कि जितने भी यहाँ दर्शन होंगे ना सारे बाहर से ही होंगे। तो भाई वैसे तो कोई ख़ास लोग है नहीं, क्योंकि मूड मेरा खुद का भी ख़राब हो चुका है, लेकिन फिर भी अगर पसंद आए तो एक लाइक तो बनता है, ठीक है। जैसे ही आप ताजमहल से निकलेंगे, रास्ते में ही आपको एक माँ दुर्गा का मकबरा भी देखने को मिलेगा, तो आप इसे भी देखना ना भूलें। इस मकबरे का निर्माण नूरजहां ने करवाया था, यह मकबरा उन्होंने अपने पिता की याद में बनवाया था, जो कि जहांगीर के मंत्री हुआ करते थे। इस मकबरे की बनावट ताजमहल से मिलती है।
और अब हम आ गए हैं आगरा के लाल किले में। इसका इतिहास कई मुगल शासकों के साथ जुड़ा हुआ है। शुरुआत में यह ईंटों से बना हुआ था, जिसे बादलगढ़ कहा जाता था। अकबर ने 1568 ईस्वी में राजस्थान के बरौली क्षेत्र से लाल पत्थर मंगाकर इसका निर्माण कार्य शुरू करवाया था। 1573 ईस्वी में यह किला बनकर तैयार हो गया। 1658 ईस्वी में शाहजहां के पुत्र औरंगजेब ने शाहजहां को इसी किले में बंदी बनाकर रखा और शासन व्यवस्था अपने हाथों में ले ली थी। 1600 ईस्वी में इसी किले में शाहजहां की मृत्यु हुई। वैसे तो इसके निर्माण में बहुत से राजाओं का योगदान रहा, लेकिन आज जो हम किला देखते हैं वो अकबर के द्वारा ही बनवाया गया है। इसको बनाने में करीब 8 साल का समय लगा। 1506 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने दिल्ली से अपनी राजधानी आगरा को बनाया। पहुंचे हैं हम लाल किले से, शासन दिल्ली का नहीं आगरा का लाल किला देखने आए हैं, और वो भी आपको अच्छे से नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि आज है संडे संडे संडे, आज छुट्टी है छुट्टी है छुट्टी है। चलिए आगरा का लाल किला पूरी तरीके से बंद, और वो है सामने गेट, एंट्री करने का गेट है, वो वहीं से एंट्री होती है इसकी। और ये पूरा नाला, इसके चारों तरफ नाला बनाया हुआ है। तो मेरे पीछे जो दिख रहा है वो है लाल किला आगरा का। और थोड़ा बुरा हमें इसलिए लग रहा है कि आज बंद होने की वजह से हम इसे अंदर से नहीं देख पाएंगे, लेकिन आपको फिर कभी दिखाएंगे। चलिए और देख लीजिए इसको, और आपको अच्छे से दिखाते हैं। सामने गार्डन बना हुआ है, देखिए इस किले में 4 प्रवेश द्वार है और इसमें 2 महल भी बने हुए हैं। 1983 ईस्वी में इसे विश्व धरोहर के रूप में शामिल कर लिया गया। दोस्तों, आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी हमें कृपया कमेंट्स बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। हमारी इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार होगी किसी और जगह मुलाकात। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड बाय। देख लिया भाई लाल किला, आज ऐसे देख पाएंगे। तो अब चलते हैं आगे मीना बाज़ार, और आपको दिखाते हैं मीना बाज़ार।